करनी सेना का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से पदर क्षेत्र के चुका गांव में हुई सैनिक आत्महत्या कांड की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रजनीश सोनी ने कहा कि ये मामला 24 जून का है, मगर पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने में 6 दिन का समय लगा दिया। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के इस मामले में कुछ राजनीतिज्ञों सहित कई प्रभावशाली लोगों के नाम उजागर हुए हैं, मगर पुलिस की डुलमुल कार्रवाई की वजह से इन लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए 6 दिन का समय मिल गया, जो कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठाई। इस अवसर पर करनी सेना के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमने करनी सेना मंडी, जो हमारी सामाजिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन, उसके माध्यम से हमने आज माननीय जो एसपी मंडी है हमारे गुरुदेव शर्मा जी, उनसे हमने एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल जो महामहिम राज्यपाल है बंदारू दत्तात्रेय जी, उनको हमने एक भेजा है। हाल ही में पद्दर क्षेत्र के जो चुक्का गांव है वहां पे एक हमारे करनी सैनिक थे अंशुल शर्मा जी, जिनकी जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था और उन्होंने आत्महत्या शायद की थी और उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बड़े नाम थे, जिसमें कुछ राजनेता भी है और भी है, व्यापारी भी है, उनके नाम सामने आए थे। तो हमने मांग की है उनके ऊपर, एसपी साहब ने बताया कि एफआईआर दर्ज करी जा चुकी है। तो जो एफआईआर है वो आज 5 दिनों के बाद दर्ज हो रही है, जबकि 24 तारीख को उसकी आत्महत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, और 25 को वो वीडियो वायरल हुई है। तो जो है 6 दिन जो है मंडी पुलिस ने लगाए हैं, तो हमारा तो ये निवेदन रहेगा कि जो अपराधी है, दोषी है, उनको 5 दिन जो है भागने का समय मिल गया। अब वो अपराधी कहाँ है उनको जो है रिमांड में लिया जाए। तो करनी सेना ने ये मांग की है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष